मुख्यमंत्री बजरंगलाल शर्मा ओडिशा के दौरे पर है। मुख्यमंत्री बजरंगलाल शर्मा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की संयुक्त बैठक। मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष ओडिशा गए कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भर रहे हैं। मंत्री जोगाराम पटेल, अविनाश जोशी, मंजू बागमार, भाजपा नेता अजय अग्रवाल, नारायण पंचारिया, हेमराज मीणा, नरेंद्र खीचोड़ समेत अन्य नेता कार्यकर्ता मौजूद है। और देखिए, राजस्थान के मुखिया और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी दोनों ही ओडिशा के दौरे पर है। अलग अलग राज्यों को देखिए साधने का प्रयास किया जा रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर, और कोशिश की जा रही है कि 400 पार का जो नारा दिया गया है उसको साकार किया जा सके। और यही वजह है कि राजस्थान के मुखिया लगातार अलग अलग राज्यों के दौरे कर रहे हैं और जनता से सीधे संवाद का प्रयास किया जा रहा है। जो तमाम कार्यकर्ता है उनमें ऊर्जा भरने का प्रयास किया जा रहा है। और फिलहाल ही कार्यक्रम की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे और साथ ही में राजस्थान के मुखिया भी आपको नजर आ रहे होंगे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान भी जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और मुख्यमंत्री बजरंगलाल शर्मा ओडिशा के दौरे पर है, लगातार कार्यक्रमों में भी शामिल हो रहे हैं, क्या कुछ अपडेट आपके पास, क्योंकि आप भी लगातार मौजूद है वहां पर? देखिए, ये जो सीधी तस्वीरें सीधे भुवनेश्वर से आ रही है, ये आसपास के, वैसे तो पूरे उड़ीसा में कई कार्यकर्ता गए हुए हैं, सभी नहीं आ पाए, लेकिन जिनका यहाँ आना आज संभव था वो आए। मुख्यमंत्री ने उनका उत्साहवर्धन किया, उन्हें बूस्टअप किया है और उन्हें अभी फिलहाल जिन तस्वीरों में देख पा रहे हैं उनका उत्साहवर्धन के साथ उन्हें संबोधन भी दे रहे हैं, उनकी मीटिंग ले रहे हैं। और मुख्यमंत्री का कहना है कि आप कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता जो है उनको खुद का मूल्यांकन करना पड़ेगा। आपके लिए भले ही जगह राजस्थान की तरह नहीं, लेकिन जितना आप काम करोगे उतनी ही राजनीति में आपकी पहचान भी बनेगी। और आप स्वयं के लिए ही काम कर रहे हैं, समाज के लिए ही काम कर रहे हैं, जितना आप बेहतर तरीके से काम करोगे उतना ही भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी। इस तरीके से वो अपना संबोधन दे रहे हैं। सीपी जोशी उनके साथ मौजूद है। राज्य सरकार के मंत्रियों में अविनाश गहलोत है, जोगाराम पटेल है, मंजू वाघमार है, उनके अलावा वरिष्ठ नेताओं में नारायण पंचारिया है और लखोटिया है, अजय अग्रवाल है, इस तरीके से कई वरिष्ठ लोग भी हैं, वरिष्ठ नेता भी हैं। आपको ये लगातार तस्वीरें हमने भेजी है और अभी थोड़ी देर में बैठक खत्म होगी। बैठक के खत्म होने के बाद जगन्नाथपुरी में दर्शन करने के लिए, भगवान जगन्नाथ का, बलराम का, सुभद्रा जी का दर्शन करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए मुख्यमंत्री बजरंगलाल शर्मा रवाना होंगे। जी अच्छा ऐश्वर्य, तमाम अपडेट्स तो आपने दिए पर क्योंकि खास मुलाकात, खास बातचीत आपकी सीपी जोशी के साथ रही, इसके अलावा भी कई नेताओं से आपने बातचीत की, सियासी माहौल क्या कहता है वहां का? देखिए, यहाँ का सियासी माहौल है, यहाँ के सियासी माहौल में जिस चीज के ऊपर आक्रमण किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, वो सबसे बड़ी बात है कि किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी चूक नहीं रही बीजू जनता दल पर आक्रमण करने के लिए या विपक्षियों पर आक्रमण करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर पांडियन को घेरा है। पांडियन की जो स्थिति है वो सभी जानते हैं। पांडियन के बारे में कहा जाता है, जैसा आरोप लगाया जाता है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, कि पांडियन ही बीजू की सरकार चलाते रहे और उन्हीं के हाथ में सब कुछ रहा और वो अब सत्ता भी हथियाना चाहते हैं और भ्रष्टाचार की जननी रही है। और 25 सालों में जो स्थिति यहाँ रही है, यहाँ के लोग पिछड़े हुए हैं, इस तरीके से ऐसे मुद्दों के आधार पर घेरा गया है। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि यहाँ जो कार्यकर्ताओं को दायित्व दिया, कुछ कार्यकर्ता हालांकि बीच बीच में यहाँ आ जाते हैं लेकिन जो स्थायी तौर पर यहाँ पर प्रवासी बनकर रह रहे हैं उनकी भी तारीफ यहाँ पर की गई है मुख्यमंत्री के द्वारा। और मुख्यमंत्री और सीपी जोशी ने तारीफ करने के साथ सभी को दुपट्टे पहनाए, दुपट्टे पहनाकर उनकी वाहवाही की है, हौसला अफजाई की है। अच्छा ऐश्वर्य, एक खास बात, भजनलाल शर्मा जैसे जब से मुख्यमंत्री बने हैं लोकसभा चुनाव को लेकर किसी एक राज्य पे नहीं, तमाम राज्य पे, सभी राज्य पे बराबर फोकस किया जा रहा है, सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर एक कार्यकर्ता तक वो जोश भी भर पाए, जनता से संवाद भी कर पाए। कितना असर इसका लग रहा है कि रिजल्ट में पड़ने वाला है? जो 400 पार का लक्ष्य रखा गया है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, पूरा करने में आसानी रहेगी जिस तरह से लगातार दौरे कर रहे हैं भजनलाल शर्मा? देखिए, भजनलाल शर्मा का जो फोकस है वो इस बात को लेकर है कि अधिकाधिक राज्यों में वो जा रहे हैं, अच्छी बात है, जाते भी हैं, पार्टी ने दायित्व दिया है, जिम्मेदारी दी है,
लेकिन अधिकाधिक राज्यों में जाने के साथ ही वो कोशिश कर रहे हैं कि प्रवासी राजस्थानियों से या राजस्थान से जो गए हैं उनसे वो बातचीत कर सकें, उनसे संवाद कर सकें और राजस्थान सरकार के 3 महीने की उपलब्धियां बता सके भाजपा के सरकारों की, क्योंकि जब मुख्यमंत्री जैसे दायित्ववान संवैधानिक पद वाले व्यक्ति जो सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होते हैं, किसी भी राज्य का कोई मुख्यमंत्री होता है वो पार्टी का चेहरा होता है उस राज्य में, कुछ राजस्थान जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री यहाँ पर जब खुद आए हैं और अपनी बात कह रहे हैं तो जनता में एक इफेक्ट तो पड़ता ही है। अमूमन दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री आते हैं, चाहे कोई भी सरकार किसी राज्य में हो तो वो अपने जैसे एनडी गठबंधन अपनी तरफ है तो एनडीए गठबंधन अपनी तरफ है, दोनों ही अपने अपने दिग्गजों को भेजते हैं, उसी के तहत मुख्यमंत्री लगातार एक के बाद एक राज्यों में मैराथन दौरे कर रहे हैं। अच्छा ऐश्वर्या, जिस जिस राज्य में मुख्यमंत्री पहुंचे हैं आपने ऑलमोस्ट हर राज्य को कवर किया है, रिस्पॉन्स किस तरह का देखने को मिल रहा है जब राजस्थान के मुखिया वहां पर जाते हैं, क्योंकि कई राज्य ऐसे भी है जहां पर दूसरी पार्टियों का कब्जा अच्छा खासा है। और देखिए मेरे सहयोगी जिस तरह से लगातार जानकारी दे रहे थे और अपडेट दिया जा रहा था कि जो कार्यक्रम लगातार जारी है, बैठक लगातार जारी है और अब से कुछ ही क्षण के अंदर बैठक खत्म हो जाएगी और जो कार्य किया जा रहा है वो उस चीज पे फोकस किया जा रहा है, जो तमाम कार्यकर्ता वहां पर मौजूद है उनमें जोश भरा जाए। और देखिए जिस तरह से इस सम्मेलन में भी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी पहुंचे थे, राजस्थान के मुखिया पहुंचे थे, भव्य स्वागत उनका किया गया, प्रवासी राजस्थानियों से संपर्क कर भाजपा के समर्थन में वोटिंग की अपील की गई और इस दौरान मुख्यमंत्री के लिए प्रवासी राजस्थानियों में क्रेज भी देखने को मिला, उत्साह देखने को मिला, मुख्यमंत्री से मिलने के लिए उत्साहित दिखे लोग। मुख्यमंत्री बृजलाल शर्मा अब तक 9 राज्यों में चुनाव प्रचार कर चुके हैं। और देखिए कार्यकर्ता का भाव हमेशा मन में रखते हैं मुख्यमंत्री बृजलाल शर्मा और आज कुछ ऐसी ही तस्वीर मुख्यमंत्री के सामने आई। मुख्यमंत्री बृजलाल शर्मा ने भाजपा के प्रमुख नेताओं कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी साथ में मौजूद रहे। ऐसे नेता कार्यकर्ता जो उड़ीसा लोकसभा विधानसभा चुनाव में निभा रहे हैं विभिन्न दायित्व, मुख्यमंत्री ने सभी के कार्य की सराहना की और सभी के साथ चाय पर चर्चा की गई, पूर्ण मनोभाव से तैयारी में जुट जाने का आह्वान राजस्थान के मुखिया के द्वारा किया गया है। और तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से मुख्यमंत्री बृजलाल शर्मा का वेलकम किया गया और मुख्यमंत्री में भी उतना ही उत्साह होता है जनता से मिलने का, उनसे बातचीत करने का, उनसे संपर्क करने का। हर एक राज्य में जब जब मुख्यमंत्री पहुंचते हैं तो सुनिश्चित करते हैं कि उनका जो जुड़ाव दिल से जनता के साथ में रहे। लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से आज के मोड़ में है राजस्थान के मुखिया और हर एक राज्य में वो पहुंचते हैं, और ये फिलहाल जो तस्वीरें हैं आप उड़ीसा से देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें फॉक्स इंडिया आपको दिखा रहा है जहां कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक राजस्थान के मुखिया के द्वारा की जा रही है, साथ में प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की भी मौजूदगी है। यानी कि क्या कुछ रणनीति बनाई जा सकती है, क्या कुछ स्ट्रैटेजी पे काम हो रहा है, क्या कुछ चेंजेस उस स्ट्रैटेजी में किए जा सकते हैं और किस तरह से ज्यादा वोट जीते जा सकते हैं, इस पर फोकस्ड है राजस्थान के मुखिया। और यही वजह है कि लगातार मीटिंग्स की जा रही है, बैठक की जा रही है, जनसंपर्क पर पूरा फोकस करते राजस्थान के मुखिया नजर आ रहे हैं। और लगातार हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें उड़ीसा से आपको दिखा रहे हैं और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान भुवनेश्वर से लाइव जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्या जरा वहां की तस्वीरों को समझाएगा, क्योंकि अभी आप जानकारी भी दे रहे थे कि किस तरह से बैठक जारी है, आपसे कुछ ही देर में बैठक खत्म हो जाएगी। देखिए यहाँ पर
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक होटल है, निजी होटल जहां पर वो रुके हुए हैं, उस होटल में मौजूद है। उस होटल में भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं को बुलाया गया, ऐसे कार्यकर्ताओं को बुलाया गया जो लगातार अनवरत यहां पर जुटे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रचार में, पार्टी में बतौर कार्यकर्ता उन्हें जो जिम्मेदारी, उन्हें दायित्व सौंपे गए हैं। कई कार्यकर्ता जो दूर दराज के क्षेत्रों में हैं वो नहीं आ पाए, लेकिन आसपास के जो लोकसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं को ड्यूटी पर लगाया गया था वो यहाँ पर आ चुके हैं। मुख्यमंत्री और सीपी जोशी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, दोनों साथ मौजूद हैं। उनके अलावा रामदास अग्रवाल के पुत्र अजय अग्रवाल यहां पर मौजूद है। उनके अलावा जो कि यहीं उड़ीसा में रहते हैं, दिग्गज नेता रहे हैं रामदास अग्रवाल, उनके पुत्र हैं। तो और उनके अलावा जो अन्य नेता हैं उनमें राज्य सरकार के 3 मंत्री हैं। जिन मंत्रियों का नाम है उन मंत्रियों में अविनाश गहलोत है, जोगाराम पटेल है, मंजू वाघमार है, प्रियंका बालान भी है जो गंगानगर से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी रही है लोकसभा में। उनके अलावा नरेंद्र खीचड़ है जो सांसद है झुंझुनू के अभी तक, हालांकि इस बार उन्हें टिकट नहीं मिल पाया। उनके अलावा जो अन्य लोग हैं उनमें नारायण पंचारिया को भी यहां पर बुलाया गया। नारायण पंचारिया जो हैं वो पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, कई राज्यों में उन्हें चुनाव का दायित्व दिया गया है। लखोटिया हैं जो प्रवासी प्रकोष्ठ में हैं। उनके अलावा अन्य कई कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया है। उनका उत्साहवर्धन करने का कारण ये था कि जो लगातार चुनावों में डटे रहे, उनसे कहा कि आप बतौर कार्यकर्ता स्वयं का स्वयं मूल्यांकन करते हैं, आप देखते हैं कि आपने कितना कार्य किया है संगठन के लिए, तो आप स्वयं का जब मूल्यांकन करेंगे तो आपको पता लगेगा कि पार्टी कहां पर है और आप कहां पर हैं। और उन्हें बूस्टअप किया है, सभी को दुपट्टा पहनाया, दुपट्टा पहनाकर उनका स्वागत सम्मान किया और उनसे ये भी कहा कि जो भी अन्य राज्यों में कार्यकर्ता गए हुए हैं उनको भी एक साथ बुलाया जाएगा चुनाव के बाद, और उन्हें इस बात को लेकर पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से केंद्र में सरकार बना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और जब रिजल्ट आएगा तो उसके बाद जो कार्यकर्ता राजस्थान से गए उनके बूस्टअप के लिए, उनके उत्साहवर्धन के लिए पार्टी के सभी नेता मौजूद रहेंगे, उन कार्यकर्ताओं का बूस्टअप किया जाएगा। और जिन कार्यकर्ताओं ने लोकसभा चुनाव राजस्थान में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उनका भी उत्साहवर्धन किया जाएगा। इस तरीके से जो बातें हैं वो निकल कर आई है। और सबसे बिल्कुल ऐश्वर्या आप बने रहेगा हमारे साथ पे, लगातार जानकारी आपसे लेते